पवित्र श्रावण मास की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है। ऐसे में प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने सुरक्षा से लेकर तमाम जरूरी एहतियाती कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। यही वजह है कि प्रदेश में आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कांवड़ यात्रा का जायजा ले रहे हैं, साथ ही जिलों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए पर्याप्त फोर्स दिया गया है और सारे रूट पर पुलिस व्यवस्था रहेगी। रूट डाइवर्जन का प्लान जो है पहले पब्लिसाइज कर दिया जाएगा ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। घाटों पे जो व्यवस्था की जानी है वो सुरक्षा की वो की जाएगी और रास्ते में जन सहयोग से लोगों का सहयोग लेके पूरे वॉच रखा जाएगा ताकि कोई अवांछनीय तत्व ना आ जाए और अगर कोई समस्या पैदा होती है उसकी त्वरित गति से पुलिस को खबर मिल जाए। कांवड़ मार्ग की सुरक्षा की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के साथ ही ड्रोन कैमरे से भी की जाएगी। इसके साथ साथ कांवड़ मार्ग में कहीं पर भी मांस और मदिरा की दुकानें न रहे, इसको लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि कांवड़ मार्ग पर यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराए जाने को लेकर भी चर्चा की गई है। यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि बैठक में प्रयागराज जोन के एडीजी, पुलिस कमिश्नर, आईजी के अलावा कानपुर जोन के एडीजी, चित्रकूट के आईजी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में इन सभी अधिकारियों के बीच यह तय किया गया कि कांवड़ मार्ग में किसी भी तरीके की अव्यवस्था न हो। खास विशेष तौर से कांवड़ के लिए कि ट्रैफिक की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, चिकित्सा स्वास्थ्य की उत्कृष्ट व्यवस्था उपलब्ध हो सब लोगों के लिए, उन सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई है। सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या चीज़ें हैं? वो सारी व्यवस्था, हर वो चीज़ जो आवश्यक है उसकी व्यवस्था प्रशासन ने की है यहाँ पे। वो आपको समय समय पर निरंतर, क्योंकि ये लंबा त्यौहार है 2 महीने का, ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। हाँ जी सब ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा जो शिवालय वगैरह पर लगे हुए हैं, हर व्यवस्था यहाँ पे प्रत्येक जनपद के प्रशासन ने कर रखा है। उसके बारे में आपको अलग से भी ब्रीफ करेंगे। वो सब दुकानें भी बंद रहेंगी, वो सब व्यवस्था जो जैसे पूर्व की भांति हर वो स्टेप जो एक इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए आवश्यक होगा उसको अमल किया जाएगा।